गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इस गुड मॉर्निंग में शायद कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, क्योंकि टाइम पर तो आप लोग ज्वाइन करते नहीं। और अच्छा ही है कि क्लासेस आर ऑनलाइन, मैं आपको रोक नहीं सकता ज्वाइन करने से। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन अगर ऑफलाइन होती है अनुराग यादव तो फिर क्या होता, मैं तो घुसने नहीं देता हूँ क्लास में किसी को लेट होने पर। और यहाँ तो सब लोग बाद में ही ज्वाइन करते हैं। एनी वे, गुड मॉर्निंग सर। बस भूल जाइए शुभम यादव, गुड मॉर्निंग एक बात टाइम के बाद नहीं, 8:50 के पहले ठीक है। हमारा क्लास 8:55 पे चलता है, यू शुड ज्वाइन बाय 8:50। एनी वे, नाउ लेट्स बिगिन। कल हम लोगों ने जहां से पढ़ना शुरू किया था या जिस जगह पर छोड़ा था, दैट वॉज कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, स्पेशली एल्फ्रेड मार्शल। मार्शल को हम लोगों ने नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा। क्लासिकल और नियो क्लासिकल में एक ही अंतर है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट केवल सप्लाई साइड की बात करते हैं, दे डोंट टॉक ऑफ डिमांड, जबकि बाकी लोग यानी मार्शल, पीगू वगैरह डिमांड और सप्लाई दोनों की बात करते हैं। तो मार्शिलियन थ्योरी इज नोन एज नियो क्लासिकल, NEO, नियो क्लासिकल थ्योरी, कैम्ब्रिज स्कूल की थ्योरी। या हम लोगों ने कहा कि वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो, उनकी थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ कैश बैलेंस प्रेफरेंस, नकद शेष प्राथमिकता, या किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं, प्रेफरेंस को अधिमान भी कहते हैं, तो नकद शेष अधिमान सिद्धांत। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये नकद शेष अधिमान क्या है, किन चीजों से प्रभावित होता है और किन चीजों से नेगेटिवली प्रभावित होता है और किन चीजों से पॉजिटिवली प्रभावित होता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि मार्शल ने नकद शेष को या कैश बैलेंस को बहुत महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि उन्होंने कहा कि दिस इज द रियल हीरो फॉर डिमांड ऑफ कैश बैलेंसेस। जैसे फिल्म में नायक होता है उसी तरह से ये होगा। अब हम लोग देखेंगे के किस पर निर्भर करता है या के क्या है, इसको दोबारा नेचुरली प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन, क्योंकि अब 185 करीब हो गए हैं। तो नाउ आई शुड स्टार्ट, 2-3 मिनट मेरा टाइम वेस्ट आपकी वजह से होता है। नाउ वी कैन स्टार्ट। सो वी आर डिस्कसिंग के। के लिए हमने जो शब्द इस्तेमाल किया वो क्या कहा, इट्स सोसाइटीज प्रिफरेंस। ये सोसाइटी की प्रिफरेंस है टुवर्ड्स कीपिंग मनी एट हैंड, मुद्रा को अपने पास रखने के लिए, मनी एट हैंड, कैश बैलेंस। जैसे ही हमने कहा कैश बैलेंस, तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास कैश बैलेंस है उसके लिए हमको एक इम्प्लिसिट अजम्पशन ले रहे हैं, एक मान्यता ले रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसका मतलब कुछ नहीं है। कि जब हमने कहा कैश बैलेंस तो इसका मतलब हो गया वी आर डिस्कसिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक समय बिंदु पर। फर्क हो गया, ध्यान से देखिए फिशर की थ्योरी कैसी है, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक घंटा भी हो सकता था, एक मिनट भी हो सकता था, दिन भी हो सकता था। यहां पर जो थ्योरी है वो क्या है, एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम के किसी भी पॉइंट पर जो भी कैश बैलेंस होगा, या तो किसी इंडिविजुअल के पास होगा, या किसी बैंक के पास होगा, या किसी बिजनेसमैन के पास होगा, यानी जब मनी रेस्ट कर रहा है किसी के पास। फर्क क्या पड़ गया, यहां मनी सप्लाई का मतलब होगा एम, और यहां वी नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं।
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना रिजर्व बैंक ने नोट जारी किया कहीं ना कहीं होगा, कहां है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस थ्योरी को हम क्या कहेंगे, अ पॉइंट ऑफ टाइम थ्योरी। फिशर की थ्योरी को क्या कहते हैं, अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम थ्योरी। वहां टाइम पीरियड है, अवधि है, इसलिए एम यानी एक करेंसी नोट हाथ बदलता है, ओनरशिप चेंज करता है। यहां पर एम कुछ भी चेंज नहीं करता। ये जो एम है ये तो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, और ये सप्लाई ऑफ मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स्ड है। इसमें तो कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि किसी ना किसी के पास है। अब हम बात कर रहे थे कि मनी, तो मार्शल क्या कह रहे हैं कि मनी कोई इंफीरियर गुड थोड़ी है, मनी इज नॉट एन इंफीरियर गुड। ये तो रखते हैं लोग, शौक से रखते हैं अपने पास, कितना रखते हैं ये बात हमको करनी है। इसी को उन्होंने डिफाइन किया कि और सोसाइटी की इनकम क्या है, वाई। ये जो सोसाइटी की इनकम है या नेशनल इनकम है, वाई क्या है, वाई इज वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर, जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे सबकी इनकम जोड़ दीजिए तो सोसाइटी की इनकम आ जाएगी, कम्युनिटी की इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी, जो भी आप लिखना चाहें। तो लोग अपने पास नकद रखना चाहते हैं, प्रश्न था क्यों रखना चाहते हैं और दूसरा प्रश्न था कितना रखना चाहते हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, एक सेकंड, वी हैव टू वेट फॉर ए व्हाइल। क्या है भाई, तो हम लोग फिर से जा रहे हैं स्क्रीन पर, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर स्क्रीन। तो के जो है किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग नाउ कि के किस पर निर्भर करता है। तो के अब हम लोग पढ़ेंगे किन चीजों से, किन सब चीजों के बारे में है। हम बात कर रहे हैं वन यूनिट ऑफ मनी हम अपने पास रखेंगे तो क्यों रखेंगे, इसका क्या फायदा होगा और इसके रखने से क्या नुकसान होगा। क्योंकि हमने बताया कि वाई को दो भागों में रख सकते हैं, या तो कैश के रूप में रख सकते हैं और या कैश के अलावा लिख सकते हैं, प्लस वन माइनस के। वन माइनस के का मतलब है जो हमने संपत्तियों के रूप में रखा हुआ है। संपत्तियां कौन सी, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो के को रखने के प्रमुख कारण क्या है और ये पॉजिटिवली किन चीजों से प्रभावित होता है और नेगेटिवली किन चीजों से प्रभावित होता है, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला काम क्या है मनी का। इसके लिए बिल्कुल सिंपल शब्द है, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। ध्यान से देखिए, ये दो शब्द हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कन्वीनियंस का क्या मतलब है, कन्वीनियंस का मतलब है कि मेरे को जब चाहे इस पैसे के बदले में कुछ भी मिल सकता है। आई कैन परचेज एनी कमोडिटी और सर्विस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे घर से गेहूं चावल या कोई चीज ले जाकर लाद के नहीं जाना पड़ेगा। आई कीप मनी विद मी और मैं इससे चाहूं तो डॉक्टर का पेमेंट कर दूं, चाहे तो बच्चे के स्कूल की फीस भर दूं, चाहे तो मैं सब्जी खरीद लूं, चाहे तो मैं दूध खरीद लूं। कन्वीनियंस, और ये कन्वीनियंस कब मिलेगा, जब मेरे पास लिक्विड मनी होगा। लिक्विड मनी का मतलब है पैसा कैश के रूप में होगा। हमेशा याद रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि पैसे की जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, चाहे वो डिजिटल वैलेट के रूप में हो चाहे किसी के रूप में हो। You need money for so many things. Basically, convenience का मतलब है transaction करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। दूसरा शब्द है plus security. Security का मतलब है कि emergencies में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कल हमने डॉक्टर की बात की, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कोई चीज खराब हो सकती है,
कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई परेशानी आ सकती है, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी यानी प्रीकॉशंस, वी मे रिक्वायर इन इमरजेंसीज फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल, जिसके लिए वी वॉन्ट टू कीप मनी। अब मैं यहां आपको एक चीज और बता देता हूं, वो ये कि इनफैक्ट मार्शल महोदय ने एक और चीज लिखी थी एक पैराग्राफ में, है ना, एक पैराग्राफ लिखा था पेज नंबर 345 के बाद। उस पैराग्राफ में लिखा था कि मनी को हम लेंड भी कर सकते हैं और इसके बदले में हमें ब्याज भी मिलता है। यानी मनी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लेंडिंग इट, किसी जगह को हम किसी व्यक्ति को अगर हम इसको उधार दे दें तो इसके बदले में हमें क्या ब्याज भी मिलता है, यह भी उन्होंने लिखा था। लेकिन जिस समय में मार्शल लिख रहे थे, लेंडिंग वॉज सपोज टू बी एन ऑफेंस, है ना। उस जमाने तक ये माना जाता था कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं वो बहुत निम्न कोटि के लोग होते हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता। क्रिश्चियंस में लेंडिंग वॉज नॉट सपोज टू बी गुड एज पर बाइबल। होली बाइबल कहता है कि आप दान दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उधार पैसा नहीं देना चाहिए। तो मार्शल ने इसको आगे डिस्कस नहीं किया, इसलिए उन्होंने केवल दो ही चीजें डिस्कस की, कन्वीनियंस प्लस सिक्योरिटी। एक और बात भी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस समय इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हों, माने आपको पक्का मालूम है कि दाम, अगर मैं आज सरसों का तेल 180 रुपए खरीद रहा हूं और कल ये 200 रुपए हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने के लिए खरीद लूं, अब 20 रुपए बचा लूं। अगर आपको मालूम हो जाए कि आज पेट्रोल का दाम बढ़ना है, तो आप आज 4-5, वो चलेगा नहीं बहुत दिन, बट यू विल प्रीफर, जैसे ही आपको लगता है कि इन्फ्लेशन आने की संभावना है, यू स्टार्ट स्टोरिंग थिंग्स, है ना। तो ध्यान से रखिए, के का इस्तेमाल, कैश बैलेंस का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है और किस चीज के लिए नहीं होता, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जरा और भी चीजों के बारे में सोचिए, जैसे उदाहरण के लिए इस मनी से आप क्या कर सकते थे, कोई गुड खरीद सकते थे। अगर आप अपने पास मनी ना रखते तो यू कुड हैव परचेज्ड ए टेबल, यू कुड हैव परचेज्ड से ए साइकिल, यू कुड हैव परचेज्ड ए मोबाइल। जब आपने मनी के रूप में रखा तो ये जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं ये तो खत्म हो गई। अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज क्यों खत्म हो गई, क्योंकि अब आप ये तो नहीं खरीद सकते अगर आपने कैश के रूप में रख लिया। तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ज्यादा है या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कीपिंग मनी ज्यादा है। मनी को किस लिए रख रहे हैं, कन्वीनियंस, ये तो कोई लाभ देगा नहीं हमें, ये तो केवल जेब में पड़ा रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो खरीदेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर हमने कोई टेबल खरीद ली तो हमारे इस्तेमाल में आएगी, मोबाइल खरीद लिया तो हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड। तो के इससे भी प्रभावित होता है। इसके अलावा आप और काम भी कर सकते थे, के से आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते थे, कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकते थे। अगर बिजनेस या इंडस्ट्री शुरू किया होता या कोई ऑफिस शुरू किया होता तो इसके बदले में आपको क्या मिलता, रिटर्न मिलता। अब जब आप के रख लेंगे तो ये रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। और भी सोचिए, मान लीजिए कुछ ना करते, एक लड़के ने उस दिन सवाल पूछा था, मान लीजिए हम बॉन्ड के रूप में रख लेते, हम फिक्स डिपॉजिट कर देते, बैंक में कैश नहीं रखा है हमने, तो इसके बदले में हमें क्या मिलता, ब्याज मिलता बैंक से। अब ये भी हमको नहीं मिलने वाला है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट, है ना। अब आप सोचिए कि जब ये भी नहीं मिलेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम मनी रखें या ये रखें, इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। या आप एक और बात सोचिए कि जो आपकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स माने किस तरीके से आप खर्च करते हैं पैसे को, किन किन परिस्थितियों में खर्च करते हैं, इन हैबिट्स में हम क्या बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके बिल्कुल पड़ोस में बैंक है और बिल्कुल खाली रहता है ना, तब तो आप जाकर जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, तो आप सोचते हैं कैश क्यों रखें। जब से टेलर आ गया है, जब से एटीएम की वो बन गए हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स बन गई हैं, हम जनरली कैश नहीं रखते। क्यों नहीं रखते कि जब चाहेंगे, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, जाएंगे, एक हमारे पास डेबिट कार्ड है, पैसा कैश से निकाल लेंगे। इसके पहले क्या होता था, बैंक से निकालने में हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तो अगर बैंक में हमें सुविधा हो, आराम से पैसा निकाल सकते हो,
तो हम क्यों कैश अपनी जेब में रखें और चोरों को इनवाइट करें? हम ज्यादातर एटीएम का इस्तेमाल करें या किसी और तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें, है ना। इसके अलावा आप ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि आपके डिग्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, आपको कितना विश्वास है अपनी इकोनॉमी में। डिग्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया और वापस मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया वापस मिल जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, तब तो रखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि बैंक तो डूब जाते हैं आजकल, तो हम क्यों पैसा बैंक में रखें भैया, कैश ही रख लेना ज्यादा अच्छा है। या अगर आपको किसी और चीज का डर है, जैसे वॉर का डर है, पेंडेमिक का डर है, पैसा रखना अच्छी चीज है कि नहीं? पैसा रखना ज्यादा अच्छी चीज है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हर आदमी कैश रखे हुए सामान रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहां भी जाएगा पैसे का इस्तेमाल कर लेगा। ध्यान से देखिए, अगर आप ए और एच को देखें, ए और एच को देखें, ए माने कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी, एच माने वॉर, पेंडेमिक, इन चीजों का डर, तो आपका के ज्यादा रखने की इच्छा होगी। यू वॉन्ट टू कीप मोर के, आप कैश बैलेंस ज्यादा रखेंगे क्योंकि आपको कन्वीनियंस मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, अचानक आपकी बेइज्जती नहीं होती। कॉफी हाउस में गए, चार लोगों ने कॉफी पी लिया, आपकी जेब में पैसे हैं, तो बड़ा इज्जत बच जाती है। तो कन्वीनियंस है, सिक्योरिटी है, वॉर के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, फ्लड्स के टाइम में, ड्रॉट के टाइम में कैश रखना ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि हमें सामान कभी भी खरीदना पड़ सकता है, वी रिक्वायर इट। तो ए और एच जो है वो के को बढ़ाते हैं, हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली रिलेटेड। और बी से जी तक के जितने आइटम हैं, बी से जी तक के जितने आइटम हैं, ये के को घटाते हैं, है ना। अगर आप नेचुरली मोबाइल खरीदेंगे तो यूजफुल रहेगा, मनी रख के क्या करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए ये दो ऑप्शन हो कि 20,000 रुपया महीने में ऐसे ही जेब में पड़ा रहने दो, या 20,000 का मोबाइल खरीद लो, या 20,000 की कोई और चीज खरीद लो, यू प्रिफर ए कमोडिटी, क्योंकि वो तो यूजफुल है ना, यूटिलिटी है। अगर उस मनी की यूटिलिटी आपके लिए नहीं है तो आप क्यों कैश रखना पसंद करेंगे। तो गुड को रखना आपको क्या देता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी देता है, किसकी, इस्तेमाल करने की, सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि प्रदान करता है। बिजनेस खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, तो आप 10,000 लगाएंगे तो हो सकता है 200, 500, 1,000 रुपया महीना आपको मिलना लगे। अगर आप एफडी कर देंगे बैंक में तो आपको कुछ दिनों बाद ब्याज मिलेगा, नेचुरली उससे कुछ फायदा होगा, नोट तो कुछ और फायदा देगा नहीं। बैंक अगर आपके बिल्कुल पड़ोस में है, टेलर बिल्कुल आपके पड़ोस में है, बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हैं, क्यों कैश रखना पसंद करेंगे, चुपचाप जाकर जब चाहे निकाल लेंगे, आप खतरे को क्यों दावत देंगे। अगर आपको इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, क्यों बिना बात के आप परेशान होंगे। अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन होने वाला है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप सामान खरीद के रखना पसंद करेंगे, कैश क्यों रखना पसंद करेंगे। तो ए और एच कैसे पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, लेकिन बी टू जी जो मैंने लिखा है ये कैसे नेगेटिवली रिलेटेड, माने ये पैसा रखने की इच्छा को कम करते हैं और ये दोनों पैसा नकद रखने की इच्छा को बढ़ावा देते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि कितना गहन अध्ययन किया मार्शल ने कि हम के क्यों रखें और के क्यों ना रखें और सोसाइटी में के क्यों होना चाहिए। व्हाट इज के प्रिफरेंस फॉर कैश बैलेंस, व्हाई वी प्रिफर कैश फॉर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। हालांकि उन्होंने बाद में से कुछ और स्पेकुलेशन से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसका स्टडी नहीं किया, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं केन्स पढ़ाऊंगा। लेकिन उनका सारा ध्यान किस पर है, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। पैसा तारीख को तो एक ही मिलेगा, खर्चा तो 28 को भी करना पड़ेगा, 26 को भी करना पड़ेगा, 24 को भी करना पड़ेगा। मनी रखने का मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू, रख लिया अपने पास, जब चाहे दूध खरीदा, जब चाहे सब्जी खरीदी, जब चाहे समाचार पत्र खरीदा, यू कैन यूज इट एंड इट विल प्रोवाइड यू ग्रेट कन्वीनियंस, इट विल प्रोवाइड यू ग्रेट कन्वीनियंस, इट विल प्रोवाइड यू ग्रेट सिक्योरिटी। एक्सीडेंट हो गया, टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, इट विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। सो यू कीप के, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स जो चाहते हैं के मत रखिए, क्योंकि अगर के रखा तो आप बहुत सारे प्रॉफिट्स का, बहुत सारे लाभ का उठा नहीं पाएंगे। आप कैसे लाभ उठा पाएंगे भाई, अगर आपने पैसा जेब में रख लिया तो उसको तो बॉन्ड के रूप में नहीं रख सकते, बैंक में आपको ब्याज तो नहीं मिलेगा फिर, या बिजनेस के रूप में तो नहीं रख सकते, तो आपको ब्याज तो नहीं मिलेगा फिर।
तो इसका मतलब यह है कि के को रखने के कुछ कारण हैं और के को न रखने के कुछ कारण हैं, यानी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी इनकम को के रूप में रखते हैं और कुछ कारण हैं जिनको हम के रूप में नहीं रखते हैं। इसी को हमने क्या कहा था, पोर्टफोलियो बैलेंस। तो जो के को रखने के कारण हैं, जो कैश प्रिफरेंस है, वो है हमारी, ध्यान से देखिए अब समझ में आएगा, के वाई इज डिमांड फॉर मनी। तो के वाई क्या है, इज डिमांड फॉर मनी। एम क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई ऑफ मनी। अब ध्यान से देखिए कि इक्वेशन क्या लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इक्वेशन क्या लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। वो इक्वेशन लिखते हैं, जनरली कैम्ब्रिज की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पी इज इक्वल टू के वाई बटे एम। यहां पर जो पी है वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, P इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी। या वैल्यू ऑफ मनी। अब क्या हुआ, एक्सक्यूज मी सर, इसे प्लीज थोड़ा बड़ा सा लिखिए, दिख नहीं रहा है, मतलब बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अच्छा, P इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मैंने आपको बताया P इज इक्वल टू के वाई बटे एम, जहां पर P जो है वो है परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति मुद्रा की, या इसी को हमने लिखा वैल्यू ऑफ मनी। तो सामान्य तौर पर जो इक्वेशन लिखते हैं मार्शल वो ये है, और जो लिखते हैं पीगू वो है पी इज इक्वल टू के आर बटे एम सी प्लस एच 1 माइनस सी। मैं बाकी क्वेश्चन भी लिखता हूं कैम्ब्रिज की, मैं पहले इक्वेशन लिख दूंगा, समझाऊंगा केवल पहले मार्शल। रॉबर्टसन जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं एम इज इक्वल टू पी के टी। अब दोनों का अंतर यहां पर लिखने के लिए मैंने समझाया, दिस इज रॉबर्टसन, दिस इज पीगू, दिस इज मार्शल। लेकिन मार्शल और पीगू का जो पी है वो क्या है, वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। रॉबर्टसन का या फिशर का पी है प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। थोड़ा दिमाग में क्लियर रखना है, ज्यादातर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री पी को क्या मानते हैं, वैल्यू ऑफ मनी, और फिशर और रॉबर्टसन पी को मानते हैं प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो जब लिखना है इट शैल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स, ठीक है ना। अब हम मार्शल की इक्वेशन को फिशर की इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्यों लिखना चाह रहा है वो भी बताऊंगा, कंपैरिजन करेंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि मार्शल और फिशर का कंपैरिजन करना हमको बहुत आवश्यक है। पीगू हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन मार्शल और फिशर का कंपैरिजन करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बोथ आर क्वांटिटी थ्योरीज ऑफ मनी। कैसे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हम मार्शल की इक्वेशन को फिशर की इक्वेशन के रूप में रखें तो क्या होगा, डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी। फिशर की इक्वेशन क्या है, एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये किसने लिखा, फिशर ने लिखा। लेकिन अगर हम यही बात किसकी लिख रहे हैं, डिमांड ऑफ मनी, यहां पर क्या आ गई, अगर हम मार्शल की लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, मार्शल की आ जाएगी एम, एक तरफ आ गया, ध्यान से देखिए,
इज इक्वल टू आ गया के वाई, क्योंकि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ये सप्लाई साइड है और ये डिमांड साइड है। हमने जो इक्वेशन लिखी, अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, केवल मार्शल का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो मार्शल के में के जो है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में आएगा, इक्वेशन पार्ट में नहीं आएगा। मार्शल में इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आएगा, मार्शल में इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा कि पीगू ने मनी को ठीक से डिफाइन नहीं किया। उन्होंने मनी की कौन सी वैल्यू ली, उन्होंने मनी की मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही को लिया। इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज्यादा किस वैल्यू को माना, स्टोर ऑफ वैल्यू को माना। उनके हिसाब से मनी बेकार चीज है, इंफीरियर गुड है, इनके हिसाब से मनी बहुत अच्छी चीज है। तो वहां एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा। उसके बाद लिखना है कि के किससे बढ़ता है और के किससे घटता है। अब हम आ जाते हैं जरा सिंपल सिंपल इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या है, एम इज इक्वल टू के वाई। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो दोनों चीजें बड़ी मजेदार हो जाएंगी। एक चीज तो यह है कि जो वाई होता है इसको हमने क्या माना, सोसाइटी की इनकम। तो वाई तो फिक्स्ड होगा, क्यों फिक्स्ड होगा, क्योंकि हमने कौन सी थ्योरी ली है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय बिंदु पर वाई फिक्स्ड होगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, के भी फिक्स्ड होगा। हमारा जो हीरो है मंच का, उसको हमने विकलांग बनाकर एक कुर्सी में बैठा दिया, के विल बी फिक्स्ड, दोनों वजहों से फिक्स्ड होगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होने वाला है, ना तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, ना अचानक कोई बहुत चीजें दाम बढ़ जाएंगे, ना एफडी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो के विल ऑल्सो बी फिक्स्ड। तो इस इक्वेशन को अगर हम अब लिखें तो जरा लिखने का तरीका बदल लेते हैं। क्या तरीका बदल लेते हैं, एम को हम लिख देते हैं के, तो यही छोड़ दिया, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ओ। वाई माने क्या है, आमदनी। आमदनी क्या होती है, आउटपुट को कीमतों से गुणा कर दो। तो एम इज इक्वल टू के पी ओ। और मास उसने क्या लिखा, फिशर ने, एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब जरा दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करिए तो खुद चीजें समझ में आने लगेंगी कि प्रॉब्लम कहां है, सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ध्यान से देखिए, टी किसका होता है, वहां मान लिया था आउटपुट का होता है, यहां भी आउटपुट है, यहां भी आउटपुट टी है। ये पी क्या है, प्राइसेस। ये क्या पी है, ये भी प्राइसेस। ये एम क्या है, मनी सप्लाई। ये एम क्या है, मनी सप्लाई। तो हमारे बीए वन में पढ़ाया जाता है और बीए टू के विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दो इक्वेशन है, अगर दो इक्वेशन है और दो इक्वेशनों में तीन चीजें कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो कुछ ना कुछ ये कॉमन जरूर होगा। यानी अगर हम चाहें तो, अगर हम चाहें तो m अपॉन k बराबर पी ओ लिख दें, तो जो 1 अपॉन k है ये v के बराबर हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए कि क्या कहा मार्शल ने। मार्शल ने कहा y और o, P और O चेंज नहीं होंगे। क्यों, आउटपुट चेंज हो ही नहीं सकता एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आउटपुट तो चेंज हो ही नहीं सकता किसी भी क्षण। P तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये तो हटने वाला नहीं। और K को मार्शल ने मान लिया कांस्टेंट, तो ये तो चेंज होने वाला ही नहीं। फिशर ने V को कांस्टेंट मान लिया था, इन्होंने K को कांस्टेंट मान लिया, तो इस साइड में कोई चेंज होने वाली चीज है ही नहीं। चेंज किसमें हो सकता है, केवल इसमें हो सकता है।
तो अगर m को 2m कर दें तो k तो कांस्टेंट है, o तो कांस्टेंट है, बस 2p हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जो फिशर ने कहा वही मार्शल ने भी कहा। बड़ी डेफिनेशन दिया, मुद्रा बड़ी अच्छी चीज है, रखने लायक है। इसको रखने के 8 कारण हैं, जिनमें से 6 नेगेटिव कारण हैं, 2 पॉजिटिव कारण है। के मंच पर छाए विराजमान हीरो के समान है, बहुत कुछ लिख डाला उन्होंने। डिमांड फॉर मनी को खूब एक्सप्लेन किया, मनी क्यों रखना चाहिए, कन्वीनियंस के लिए रखना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए रखना चाहिए, पेंडेमिक में रखना चाहिए, सब लिख डाला। लेकिन जो इक्वेशन को अगर हम देखें तो लगभग लगभग इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है। बल्कि रॉबर्टसन ने तो इक्वेशन इसको लिखी दिया m इज इक्वल टू के पी टी, वहां उन्होंने पी ओ नहीं लिया, पी टी ही लिया। ये किसकी इक्वेशन है, मैंने अभी लिखाया था, रॉबर्टसन की इक्वेशन है। मार्शल की इक्वेशन को अभी हमने एनालाइज किया तो लिख दिया के पी ओ, ओ और टी को रिप्लेस कर दिया, तो लगभग लगभग पी टी ओ पी ओ एक ही है और एम एक ही है और के कॉन्स्टेंट है, तो m का प्रभाव केवल p पर पड़ेगा। इसीलिए इसको भी क्वांटिटी थ्योरी कहेंगे। क्यों क्वांटिटी थ्योरी कहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी के 5 रूल हैं, जिसमें पहला रूल है प्रोपोर्शनैलिटी। मुद्रा की मात्रा जितनी बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमतें उसी दिशा में उसी अंदाज में। हाइपोथेसिस क्या है, अवधारणा क्या है, हाइपोथेसिस या अवधारणा क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी की सबसे पहली क्या है कि देयर इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, देयर इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड बिटवीन मनी एंड prices of commodities and services। सीधी सी बात है कि यह है प्रोपोर्शनैलिटी रूल, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एम बढ़ेगा तो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा पी पर, लेकिन प्रोपोर्शनल भी बढ़ेगा। एम घटेगा तो पी भी घटेगा, लेकिन प्रोपोर्शनली घटेगा। इनकी रिलेशनशिप क्या है, प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध है। प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध है किसके बीच में, मुद्रा की मात्रा और कीमतों की, वस्तुओं की कीमतों के बीच में। यही तो फिशर कह रहे हैं, यही तो मार्शल कह रहे हैं, है ना, बात एक ही कह रहे हैं। लेकिन ये मुद्रा की मांग का विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं रुक जाते हैं। अब मैं आपको केवल समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, केवल समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। आप समझ जाएं तो लिख लीजिएगा, न समझ पाए तो छोड़ भी सकते हैं जो चीज मैं अगली लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें इम्तहान में आपको आधा नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं समझा देता हूं, ये जो के है 1/k, ये v के बराबर कैसे हो सकता है। v क्या थी, मुद्रा की चलन गति। k क्या है, नकद रखने की इच्छा। इन दोनों में कोई संबंध दिखता ही नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध दिखता ही नहीं है, लेकिन इनमें एक संबंध है। जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा संबंध क्या है। जरा देखिए, k को हमने किसके संग लिखा है, y के संग, और हमने v को किसके संग लिखा है, p के संग, pt। अब क्या फर्क पड़ा, फर्क यह पड़ा कि BA1 में हमको पढ़ाया गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम की अलग होती है और प्राइसेस की अलग होती है। प्राइसेस की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, नेगेटिव, कीमतें बढ़ने से मांग घटती है, कीमतें घटने से मांग बढ़ती है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, पॉजिटिव, आय बढ़ने से मांग बढ़ती है, आय घटने से मांग घटती है। जो के है इसको किसके संग रखा है, वाई के संग,
वाई माने क्या है, इनकम। इनकम बढ़ने से के बढ़ेगा, इनकम घटने से के घटेगा। तो ये क्या है रिलेशनशिप, पॉजिटिव। पी की रिलेशनशिप कैसी थी, नेगेटिव, क्योंकि पी ट्रांजेक्शन के संग कैसा होगा, पी बढ़ेगा तो ट्रांजेक्शन घटेगा, पी घटेगा तो ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो ये जो के है ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और जो वी है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। दोनों उल्टे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि एक धनात्मक होता है, आय से मांग की लोच का संबंध धनात्मक है, और पी से मांग की लोच का संबंध ऋणात्मक है। इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है, वरना दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है, अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन करता ही जाऊंगा, थोड़ी देर तक इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आराम से चलते चलिए। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहले कि हमने फर्क क्या है m इज इक्वल टू के वाई में और m इज इक्वल एम वी इज इक्वल टू पी टी, फर्क क्या है। देखिए यहां है y, बाद में k को कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए अगर आप ना माने, शुरू में जिस ढंग से मार्शल ने लिखा है, अगर k को कांस्टेंट ना माना होता तो एक बड़ा अंतर पड़ने वाला था। क्या बड़ा अंतर पड़ने वाला था, एम के बढ़ने से वाई पर प्रभाव पड़ने वाला था, यानी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने वाला था। यहां पर एम बढ़ने से टी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इनका मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल बन सकता था, मैं बार बार कह सकता हूं बन सकता था। क्या बताता कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वाई पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रा की पूर्ति घटने से वाई पर प्रभाव घटता है, बढ़ सकता था, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से उसको वाई से जोड़ा था और जिस ढंग से के को एक्सप्लेन किया था, बहुत बेहतरीन ढंग से किया था, बढ़िया बना सकते थे इसको। ये कह सकते थे कि मुद्रा की मात्रा का बचत पर, ब्याज पर, राष्ट्रीय आय पर, रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, जो फिशर नहीं कह सकते थे, मार्शल कह सकते थे। लेकिन मार्शल ने क्या गलती कर दी, के को कांस्टेंट मान लिया। सवाल है कि के को कांस्टेंट क्यों माना, दो बातें हैं दिमाग में। एक बात तो यह है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक समय बिंदु पर तो के वैसे भी नहीं बदलेगा, बात भी सही है भाई, किसी एक समय बिंदु पर हमारी जेब में जो पैसा है वही रहेगा, किसी बैंक में पैसा है वही रहेगा, वो तो चेंज होने का सवाल ही नहीं। लेकिन मार्शल के दिमाग में यह बात नहीं थी, मार्शल के दिमाग में थी कि मनी इज ए मेजरिंग रॉड। ये जो कमी है, मेजरिंग रॉड कांस्टेंट ही रहना चाहिए, जो पैमाना है नापने का, जांचने का, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दैट शैल नॉट चेंज। जब आप मनी को मेजरिंग रॉड ले लेते हैं, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, तब मनी क्या हो जाता है, मनी बिकम्स न्यूट्रल, क्योंकि फिर मनी का मतलब ही नहीं है कोई, मनी तो केवल नापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो चीज नापने के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई भी चीज हो, मान लीजिए एक मीटर हो, तो मीटर से कपड़े की घटने बढ़ने की तो संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो अगर मनी मेजरिंग रॉड है, तो इससे राष्ट्रीय आय के घटने बढ़ने की तो संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो जहां पर मनी गुड्स के रूप में लेंगे, इफ मनी इज ए गुड, तो यहां पर भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लागू होगा। जितना ज्यादा मनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी, जितना कम मनी उतनी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो जब आप मनी को गुड के रूप में लेंगे, तब ये न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मनी को मेजरिंग रॉड के रूप में ले लेते हैं, इट बिकम्स न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रलिटी है वो कहां से आती है, क्लासिकल थ्योरी में न्यूट्रलिटी इनबिल्ट है, तटस्थता इनबिल्ट है, क्योंकि वो मनी को मेजरिंग रॉड मान लेते हैं। अगर मेजरिंग रॉड है तो मनी की हर इकाई की मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता समान रहेगी, चाहे वो करोड़पति के पास हो, चाहे वो 15 रुपए वाले के पास हो। होता नहीं ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी की आमदनी 100 रुपए है, वो 10 रुपए चंदा नहीं देगा, 20 रुपए चंदा नहीं देगा, लेकिन जिसकी 1 करोड़ आमदनी है, वो 10-20 रुपए चंदा आराम से दे देगा, क्योंकि उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम है, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। ये प्रॉब्लम क्लासिकल्स में इनबिल्ट है, क्योंकि मनी जब आया था तो सबसे पहले क्यों आया, ट्रांजेक्शन के लिए। मार्शल ने उसको चेंज किया, ध्यान से देखिए, वहां पर क्या था, सीएमसी, मार्शल ने इसको एमसी कर दिया।
मनी रखे हो कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हो, कन्वीनियंस हो गया, प्रिकॉशन हो गया, इसको रखने की जरूरत ही खत्म हो गई। चेंज तो आया, वृद्धि तो हुई, लेकिन अभी पूरी तरीके से मुद्रा की परिभाषा ठीक से नहीं आई। स्टिल द मनी हैज नॉट बीन डिफाइंड प्रॉपरली। इसके बाद जब हम चलेंगे तो कुछ और हो सकता है कि मनी से आप कमोडिटी खरीद लें और इससे फिर मनी में बदल लें, स्पेकुलेशन। अगर आपको पक्का मालूम है कि गेहूं का दाम 2 महीने में बढ़कर दुगुना हो जाएगा, आप घर गेहूं स्टोर करके रख लीजिए, उसको बेच के दोबारा ज्यादा पैसा कमा लीजिए। उसे हम सट्टा भी कहते हैं, सट्टेबाजी भी कह सकते हैं, स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर मार्शल पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए, मैंने आपसे बता दिया। जैसे ही उन्होंने इस पर लिखना शुरू किया कि मुद्रा को उधार देंगे तो ब्याज मिलेगा, तो बहुत सारे जो एथिकल राइटर्स थे, जो नैतिकता का बड़बोलापन दिखाते थे, वे सारे के सारे नाराज होने लगे कि भाई ये क्या कर दिया आपने, ऐसा तो संभव नहीं है, आप तो हम लोगों को जीव बना रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म के विपरीत है। मार्शल ने यही लिखना बंद कर दिया। अगर मार्शल ने इसके आगे लिखा होता तो शायद केन्स इतना बड़ा नाम ना होता, प्रॉब्ली मार्शल ही इतना बड़ा नाम होता। तो मार्शल की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। मार्शल की इक्वेशन है टी इज इक्वल टू के वाई बटे एम। टी का एम से कैसा संबंध है, विपरीत। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, मुद्रा की मात्रा घटेगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। यहां पर इस डिमांड साइड को जोर ही नहीं दिया गया ना, क्योंकि यहां के कांस्टेंट है और वाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज ही नहीं होगा। बस ये गड़बड़ हो गई। अगर यहां पर वाई में चेंज आ जाता या के में चेंज आ जाता तो मार्शल बहुत बड़े अर्थशास्त्री बन जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक्वेशन में संबंध किससे किससे आ गया, ऊपर वाला तो दोनों कॉन्स्टेंट हो गया, बचा ये दोनों, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू किससे, वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इस इक्वेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो क्या लिखते हैं, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। फिर यहां पर मुद्रा क्या हो जाती है, तटस्थ, न्यूट्रैलिटी। बाकी तीनों की जहां तक बात है, मार्शल तीनों बातें मानते हैं, मुद्रा एक्सोजिनस है, स्वीकार करते हैं कि मुद्रा कैसी है, एक्सोजिनस है, इसको कभी भी सरकार ही बदलेगी या कोई बाहर से ही बनाएगा, अंदर से नहीं बनाएगा। इनसाइड मनी आउटसाइड मनी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं किसी समय थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। फिर एक और चीज हम लोग क्या बताते हैं, शॉर्ट टर्म नॉन न्यूट्रलिटी लॉन्ग टर्म न्यूट्रलिटी। अल्पकाल में हो सकता है न्यूट्रल ना रहे मुद्रा, थोड़े दिन के लिए, एक आध दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्फ्लेशन ही होगा बढ़ने से, डिफ्लेशन ही होगा घटने से। और तीसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ाई थी, रिलेटिव प्राइसेस वर्सेस एब्सोल्यूट प्राइसेस। रिलेटिव प्राइसेस किसी कमोडिटी के मांग पूर्ति पर निर्भर करते हैं, एब्सोल्यूट प्राइसेस क्वांटिटी ऑफ मनी पर निर्भर करते हैं। तो मैं फिर थोड़ा सा समय देता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं इसी की एक और इक्वेशन पढ़ाऊंगा, इसका नाम है पीगू। फिर से कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, दिस इज नॉट येट नोन टू अस। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमी को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, मे बी कि कोई और टीचर्स को पढ़ाएगा, वी डू नॉट नो अबाउट इट। तो क्योंकि क्या होगा क्लास में, अंशुमन सिंह पूछ सकते हो सवाल, एक मिनट में मैं दे रहा हूं, मौका सबको देता हूं। हाँ, जिसको पूछना पूछो, माइक बंद करो, एक आदमी पूछो, जैसे अभी मैंने अंशुमन का नाम लिया वो पूछो, जिसको और पूछना हो केवल अपना एक मिनट के लिए पड़ोस में लिख दे, आई कॉल हिम, 5 मिनट टोटल दूंगा। के हाँ तान्या पूछिए, उत्तम बाद में पूछना, पहले तान्या पूछ ले, है कहाँ तान्या, दिख तो आइए ऊपर, माइक ऑफ कीजिए। तान्या जी को नहीं पूछना, उत्तम तुम पूछो। मार्शल की इक्वेशन पी इज इक्वल टू के वाई अपॉन एम है, हाँ, लेकिन जब हम मार्शल और फिथेट की इक्वेशन को कंपेयर कर रहे थे तो हमने सिर्फ एम इज इक्वल टू के वाई लिया, लेकिन उसने लिया कि हमने फिशर की इक्वेशन में केवल सप्लाई और डिमांड था, तो हमने मार्शल की इक्वेशन का वो पार्ट ले लिया जहां सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है।
हमने तो कंपैरिजन करने के लिए क्या ले लिया, जहां फिशर की इक्वेशन में सप्लाई और डिमांड मनी की बात की गई है, वहां मार्शल में भी सप्लाई डिमांड की बात की गई है। तो हमने, जब आप लेंगे अगर उसको उधर वन कर दें आप बाई साइड वाले को, तो नतीजा क्या आएगा, दोनों बराबर होंगे, सप्लाई शैल बी इक्वल टू डिमांड। सप्लाई क्या है एम, डिमांड क्या है के वाई। आप पूछो पूछो उत्तम, पूछते रहो। परचेजिंग पावर तो तब आएगी जब हम पूरी इक्वेशन पढ़ेंगे, जब हम फिशर और मार्शल का कंपैरिजन करेंगे। तो फिशर ने क्या कहा, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी। तो मार्शल ने सप्लाई क्या कहा एम, डिमांड क्या कहा के वाई। तो हम इसी का तो कंपैरिजन करेंगे, वहां तो परचेजिंग पावर ली नहीं गई है ना। अगर वहां परचेजिंग पावर लेंगे तो वहां भी यही आ जाएगा। फिशर ने क्या बताया कि परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू वन अपॉन पी ऑफ कमोडिटीज, उसने भी वही बताया। हम तो कंपैरिजन आपको के और बी का समझाने के लिए मैंने इसको लिया था बस। थैंक यू सर। और कोई है बताने? हाँ बोलिए सृष्टि। कोई और बोलने वाला? शुभम, जिसको पूछना हो जल्दी से पूछो, मैं बंद करने जा रहा हूँ। जो के की डिपेंडेंसी बताई गई है तो उसमें एक जगह बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट है और दूसरा हैबिट है। तो अगर इंसान की हैबिट ये हो कि उसको पैसे अपने पास ही रखने हैं तो ये क्या आपस में भी डिपेंड करेंगे कितने फैक्टर? बिल्कुल, अगर हैबिट ये है कि हम कैश ज्यादा अपने पास रखना पसंद करते हैं तो के की वैल्यू बढ़ेगी पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर हम बॉन्ड्स के रूप में रखना पसंद करते हैं तो के की वैल्यू घटेगी। यही तो मैंने बताया ही। हाँ ध्रुव बोलो भाई, क्या नहीं बताएंगे, बोलो बोलो ध्रुव। अरे भाई हम पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या के देखिए किसी किताब में मिलता है क्या? सर आप ही पढ़ाइए। हम कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया, हमने के किन चीजों से बढ़ता है किन चीजों से घटता है किसी किताब में जाके देख लो, पहले मिलेगा ही नहीं। फिर भी तुम पढ़ना चाहते हो तो मैंने बताया, नाम तो बताया ना मैंने, डीएम मिथानी ले लो भाई। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको पढ़ना है तो झिंगल ले लो भाई, कोई मर्जी आए ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उनका स्तर आपके लायक है तो टेक इट, अदरवाइज व्हाई शुड यू टेक देम। कुछ हम दूसरा तरीका निकालेंगे, कुछ एक आध पीडीएफ सप्लाई कर देंगे अपनी तरफ से, पढ़ने के लिए हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ गौतम, बोलो गौतम, बोलो जल्दी। सर आई एम सेइंग विथ यू दैट सर इट इज मतलब डिफिकल्टी टू मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर teaching because sir today my second class is of you. तो क्यों second class है भाई, पहले से क्यों नहीं आ पा रहे थे आप? और फिर second class है तो कल फिशर से ही तो आज comparison किया, कोई नई चीज तो मैंने पढ़ाया नहीं आज। क्लास में इकोनॉमिक्स छोड़ा नहीं तो हम नहीं जानते, क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ा, छोड़ दिया ये हिस्ट्री थोड़ी है कि बाबर मर गया तो खत्म हो गया। यहाँ तो आपको पिछला चैप्टर के आगे ही अगला चैप्टर मिलेगा, है ना गौतम जी? तो हो सकता है कहीं शुरू ना हुआ, वहां पढ़ लीजिए अगर कोई पढ़ा रहा हो तो, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वो डिफरेंट होगा उससे, कोई डिफरेंट। बुक का नाम बताया तो मौद्रिक अर्थशास्त्र, मुद्रा, राजस्व और बैंकिंग, कोई नाम से ले लो, है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मनी, पब्लिक फाइनेंस एंड बैंकिंग, टेक एनी बुक विच यू लाइक। इंग्लिश में बोलते हैं मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा बैंकिंग और राजस्व, टेक एनी बुक। मैं कोई किताब ताब नहीं लिखता, ये मेरा काम ये नहीं है कि मैं बीए के बच्चों की किताब लिखूं, टेक्स्ट बुक्स नहीं लिखता, मैं बहुत हायर लेवल की राइटिंग करता हूँ, नॉट दैट। एमएल सेठ हाँ ले लो, देवेंद्र प्रताप एमएल सेठ इज वेरी गुड, सबको दिला दो, सबको ये किताब दिला दो। चलो सर आप नहीं पढ़ेंगे क्या हमें? हाँ आप ही कंटिन्यू करिए। नहीं, चांस है कि हमको प्रशांत जी दोनों हट जाए सेक्शन से, क्योंकि कुछ दिक्कत है शायद, तो हो सकता है हम दोनों हिंदी मीडियम में चले जाएं। क्या फर्क पड़ता है, हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ, हमको तो कोई भाषा है। आपका समझ आने लगा है सर,
सर अगर कोई और आएगा बेटर ही होगा, जो आएगा हमसे तो बेटर ही आएगा ना। सर आपसे बेटर नहीं है, पहले उससे पढ़ के आप ही पढ़ाइए। अभी इस विषय में बात नहीं हो रही है, पहले हमको हेड से बात करने दो। इस समय बाय बाय, इस समय बाय बाय, हेड से बात कर लेने, देन विल कॉल इट। थैंक यू ऑल।